हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज द फ्रेंड सुमित एंड दिस इज रोहित। तो आज हम लोग वैसे नर्सअप पे घूम रहे थे, तो सोचा कि अब गर्मी के दिन शुरू हो गए तो क्या खाया जाए। तो आज हम आए हैं पुणे के एक मशहूर स्पॉट पे, जहाँ पे आपको मिलेगा पुणे का फेमस गोला। तो आप लोग रेडी हो पुणे का फेमस आइस गोला खाने के लिए? तो चलो आपको लेके चलता हूँ, लेट्स गो। फाइनली गाइज, मैं आपको लेके आया हूँ फूल गोला नल स्टॉप से, जहाँ पे आपको मिलेंगी ढेर सारे वैरायटी गोले के लिए और साथ ही में आपको यहाँ पे आइस डिश भी मिलेगी। तो चलो अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलने वाला है। बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे आपको, मलाई गोला, चॉकलेट गोला, स्पेशल डिशेज और प्लेन आइस गोला, ऐसे चार में भी ढेर सारे वैरायटी। मैं कंफ्यूज, आप बताओ कौन सा खाओगे, देखो मेन्यू कार्ड। मैंने लिया है मलाई आइस डिश और उसी के साथ में ऑल फ्लेवर्स लिए, क्योंकि अब मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा फ्लेवर खाऊं। वैसे आप कमेंट करके बता सकते हो आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है। ठीक है, चलो अब गोला बनते हुए देखते हैं कि कैसा बनता है गोला। अच्छा, फाइनली मेरे पास आगे मेरी मलाई डिश, अब इसको खा के टेस्ट करते हैं और मस्त मजे लेते हैं। आ जाओ हम खाते हैं। इंतजार नहीं हो रहा, अब खाना शुरू करते हैं। बताओ किधर देखते हो, सो यम, देखिए अभी खा लो, आ जाओ। फाइनली हमने अपनी जो डिश थी पूरी खत्म कर दी है, मज़ा आ गया भाई। रोहित को मज़ा आ गया, एकदम मज़ा। नासिक से आया हो गया खाते गोला खाने, बताओ नासिक से हमने पूना बनाया से उसमें आइस गोला खाने, क्योंकि फूल गोला का टेस्ट है ही एक्चुअली वैसा। आप भी आओ, मज़ा आएगा। पूरी प्लेट खाली कर चुके हैं, अब हम ऑर्डर कर रहे हैं दूसरा गोला, जो नॉर्मल गोला होता है वो भी हम खाएँ। क्रेविंग है, पूरी करेंगे। बारी है नॉर्मल स्टिक वाला गोला खाने की, अब उसकी प्रिपरेशन देखते हैं कैसे। क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, आज हम पेट भर के गोले ही खा के जाने वाले हैं यहाँ से। फाइनली गाइज हमारा गोला खाना हो गया और होटल मेरे देख सकते हो कैसे लाल लाल हो चुके हैं। बहुत मज़ा आया यहाँ पे गोला खा के, आप भी बेशक ज़रूर आना यहाँ पे, मज़ा आएगा आपको भी। बहुत सी वैरायटी आपके गोले में, और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे सिर्फ गोला नहीं है, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगा, एक बर्गर पिज्ज़ा वगैरह भी चीज़ें है, तो आके आप वो भी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। और शॉप भी लेट नाइट तक स्टार्ट रहती है, तो ऐसा नहीं कि ये मत सोचना कि जल्दी नॉर्थ स्टॉप है बॉस, तो यहाँ पे लेट नाइट शॉप भी चालू रहती है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फूडी फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इस टाइप की चीज़ें खाना पीना पसंद हो। सो गाइज दिस इज सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू इंडिया शो। और हाँ बाकी डिटेल्स के लिए ना
डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहां पे बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग।